कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया, इनकी बेल पर आज सुनवाई होने वाली है और बहुत सारे लोगों की नज़र जो है इस बात पर है कि क्या हर्ष और भारती को आज जमानत मिलती है या नहीं। मैं आपको बता दूं, शनिवार को जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हर्ष भारती के तीन ठिकानों पर छापे मारे, जिसमें अंधेरी, वर्सोवा, लोखंडवाला ऑफिस और घर शामिल थे। 86.5 ग्राम जो है गांजा मिला था, जिसके बाद जो है समन किया गया और खुद भारती और हर्ष दोनों ने ही गांजा कंज्यूम करने की बात को स्वीकार कर लिया है। कल जब उन्हें किला कोर्ट में पेश किया गया, सुबह उनका मेडिकल हुआ, कोरोना टेस्ट हुआ, जिसके बाद उन्हें किला कोर्ट में पेश किया गया। वहां पर एनसीबी ने रिमांड मांगी थी हर्ष की, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 4 दिसंबर तक दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अगर मैं चार्जेस की बात करूँ, 86.5 ग्राम जो गांजा है, जो NDPS एक्ट है, उसमें अगर आपके पास 1000 ग्राम तक का गांजा है तो आपको 6 महीने 10,000, और अगर आपके पास 20 किलो से ऊपर है तो जो है, यानी कि जो कमर्शियल क्वांटिटी मानी जाती है, तो 20 साल तक की सजा है। ऐसे में इसके बीच में अगर मिलता है तो आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो अब ये देखना होगा कि क्या उनको आज जमानत मिलती है। वहीं भारती को कल्याण और हर्ष को तलोजा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। तो आज उनकी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई है। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इनके स्टाफ से भी पूछताछ की थी। हालांकि आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस तरह की दलील जो है कोर्ट में रखती है, वो हर्ष की रिमांड भी चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने जो है रिमांड नहीं दी और दोनों को 4 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा है। तो आज बेल पर सुनवाई है। वो अगर उसको लेकर कुछ भी फैसला आता है तो हम फिल्म विंडो पर लेकर जरूर आएंगे।